हाँ भाई, अब आप सबके प्रिय सर कपिल सर आ गए हैं और सर का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो हेलो डट जाओ चलो। हेलो हेलो, आवाज आ ओके। क्या बात है, तो आज तो उम्मीद से ज्यादा ही हो तुम लोग, और कल ही बताया था तुम्हें, फिर भी है बहुत बढ़िया भाई। तो कैसे, ज्यादा इंतजार तो नहीं हुआ? ठीक है, चलो बढ़िया। अब आप बात कर ले, वीडियो में बनी रहे थे, क्या बनाओ क्या दुख पाओ है? और प्री कैसे हुआ तुम लोगों सबका? मैंने भी आज जो है वो 3-4 साल बाद में ऑफलाइन बच्चों को देखा है। सिलेक्शन से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाते थे, तब जरूर देखा था, वो ऑनलाइन पढ़ाने में बस इस कैमरे को पढ़ाता हूँ मैं तो। यार तुम कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हो, उसका जवाब देता रहता हूँ, और भी क्राउड तो जो है वो कई दिनों बाद में ही देखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए एक तो, और कोई खान पीन की व्यवस्था कराएंगे? ये तो ट्रेंड चेंज नहीं करना यहाँ है। चलो बढ़िया है। तो प्री का पेपर कैसा हुआ सबका? बढ़िया हुआ? कितने नंबर आपके? ठीक ठाक बताओ एक बार, ऐसे एक 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 नहीं, ऐसे बता दो राय में कितने नंबर। मैं इंडिविजुअल पूछता हूँ। 92। ओके, आपका भाई जी बताओ बताओ कितना नंबर बने? 92। ओके, 83। पिछला बताओ सिलेक्शन बटू हो। हाँ है 101। बहुत बढ़िया, बहुत है 116, 108। बहुत बढ़िया, ये ड्राइव मत है, ऑनलाइन देखे जाए। अगे अति कट ऑफ कौन सा, कितने जाएगी कट ऑफ तुम्हारे अनुसार? 85 नंबर। हाँ, पेपर सरल था? नहीं था, पेपर सरल नहीं था। आपको लग रहा होगा पेपर जो है वो किस किस को सरल लगा बताना, एक बार एक दो पर्सन पूछो। राजकोषीय घाटे वाला पूछ लो। चलो, कितनी बार आरपीएससी ने बदल लिया? एनसीईआरटी में एक छोटा सा सूत्र है, फिर यूपीएससी ने बड़ा ही सरल एक बार पूछा, आरपीएससी ने उसको एक बार और उसके धागे उधेड़े, और इस बार एक बार और धागे उधेड़ दिए। इतना मतलब परेशान करना थोड़ी होता है, बस एक चीज याद करनी होती है कि ऋण का अनुमान लगाना है। जो उधार वर्ड को पकड़ के गया था ना, वो सरल से प्रश्न को कराया, नहीं तो टफ था ही। सही बात है। तो देखो, वैसे तो जो है वो एग्जाम कब तक हुआ तुम ही बता दो आज, मैं तो क्या बताऊं, तुम बोलो। आज कई दिनों से फरवरी में होगा। ओके, प्री किस किस का क्लियर हो रहा है? एक प्री, हाँ सबका हो रहा है, फिर तो ठीक है। मन ध्यान पटकाल ने दूसरा आ गया। ये भी जरूरी है। तो देखो, एग्जाम तो जो है वो आपको भी पता है कि चुनाव बाद में, बीच में असिस्टेंट प्रोफेसर का करवाएंगे, उनको 48 एक दिन भी चाहिए, क्योंकि उनके सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट जनवरी या फरवरी, आपने तो मान रहे चलो कि हो ही बढ़ता नहीं, फरवरी 14 बाद में हुई थी, एकदम आराम हो जाए बोले। आराम तो कहीं जाओ, टेंशन में जाओ, 14 बाद में जहां तक है वो होएगा। और वो पहले अनुमान था, रिजल्ट कब तक आ जाएगा? पिछली बार 2 वैकेंसी का तो अनुमान ये है कि रिजल्ट जो है वो आपका ऑलमोस्ट जो है वो 20 दिन में इन्होंने निकाल दिया, 3 वीक में रिजल्ट। ओएमआर चेक करनी है तो, और तुम्हें क्या लगता है कट ऑफ इस बार भी ओबीसी की ज्यादा जाएगी? जाएगी, तो तुम वापस कोर्ट से आ जाना। और क्या होगा भाई, ये तो एकदम सिंपल सा रूल है, पिछली 3 वैकेंसी में देख रहे हो। तो इस चीज के लिए भी, वैसे तो माननीय बोर्ड आपके लिए बेहतर ही करेगा, ऐसा नहीं होगा, फिर भी मेंटली प्रिपेयर रहना। जनता ना कई बार क्या हुआ कि अपन ध्यान है दुख को समाधान के, फिर भी दुख न रो बोरा, अवास्तविक एकदम कारण ही है जनता की। अब अपने को पता है कि बाई चांस अगर ओबीसी की ज्यादा चली भी जाए एक बार है, तो उसके बाद में वो आनी तो जनरल के बराबर ही है, पिछली 3 बार की वैकेंसी यही कहती है। लेकिन फिर भी लोग संतुलन को देते हैं, नहीं नहीं मैं तो फेल हो गया, फेल हो गया। अगर नंबर थारा 85-86 जो भी कट ऑफ जाए उससे ज्यादा बने, तो फिर बाद में अपने को पढ़ते रहना है। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात तो यूट्यूब पर चल रही है, कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ, पढ़ने वाला टॉपर और कोई बात करना आज तो। और पढ़ना किस किस ने स्टार्ट कर दिया, हाथ खड़े करो। अरे दोनों कौन करना, दोनों करना मतलब है तो पढ़ाई का आगे खड़ा कर दिया। सही में पढ़ना स्टार्ट कर दिया,
एक तो जो है ना, ये जो आपने अब तक प्री में जो कंटिन्यूटी ली थी ना कि आप प्री में बहुत एकदम रोबोट बन गया, 10-10, 12-12 घंटा एक सब्जेक्ट ना, एक दिन में 2 सब्जेक्ट, लास्ट में तो 4 सब्जेक्ट एक दिन में, वो याद है तुम्हें 28, बस वो 4-5 महीने ना वो गुण रखना है। 4-5 महीने अगर वो गुण रख लिया ना कि याद, तो देखो मेंस के अंदर जो है ना याद कितना भी किया हो वहां पे लिखना है, और अगर आपने जो याद किया उसका 30% भी याद रह गया ना तो वो काम चल जाएगा वहां पे। लेकिन अपनी याद करने की प्रवृत्ति थी तभी तुम्हारे 87, 90, 101, 116 नंबर बन रहे, तो उस प्रवृत्ति को जिंदा रखना है। और उस प्रवृत्ति को जिंदा रखने का तरीका क्या है, कभी भी बीच में 7 दिन पढ़ रहे हो ना, एक दिन वापस है ना प्री मोड में आ जाओ, मैं आज एक सब्जेक्ट ना प्री वाले रिवाइज करो। और आपने हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को भी रिवाइज किया है ना, एक दिन में हिस्ट्री भी किया था ना, वो बात अलग है, पर्सन सही हुए नहीं हुए लेकिन रिवाइज तो किया था, ठीक है। तो वैसे ही वो प्रवृत्ति जिंदा रखनी जरूरी है कि अपने को जो है वो एक सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज बीच में किया, ये बचेड़ लगे ना एक सब्जेक्ट, आदमी कॉन्फिडेंस आ जाए। और कोई मतलब तरीका क्या भाई, शॉर्ट नोट से उत्तर पर्सन आए नहीं आए, कॉन्फिडेंस तो आता है ना। एक एग्जाम में आदमी देने जाए विटामिन लगा मैं भूल गया तो आज तो भूल जाए आदमी, नई गाड़ी ले रहा हो कोई आदमी, ठीक है, तो नई गाड़ी ले रहा हो जब नहीं लगे कि भाई मेरी नई गाड़ी है भिड़सी पक्की भिड़ है, गारंटी है भाई साहब, वो चारों टाइम सोच आदमी जो सोचा वो ही वह सागर जीवन में। तो अगर वो सारे दिन सोचता ही है कि भाई ये गाड़ी भिड़ेगी तो भिड़ेगी, कोई आदमी सोचा मैं पेपर में जार भूल जाऊं तो पक्को भूले वो जार, सही बात है। और 12 आता ही आता जगह इको तो ओ तो आई हुए, तो ये ऐसे नहीं करना। अपने को जो है वो प्री वाले सब्जेक्ट को एक बार आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो आपने इको पढ़ी, जो आपने पॉलिटी पढ़ी, जो ज्योग्राफी पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ी, अभी जो है वो प्री वाले सब्जेक्ट में से केवल 2 प्री ध्यान देना है, आर्ट एंड कल्चर और साइंस। साइंस एकदम अलग है ब्रह्म मित्र जी, साइंस बहुत खतरनाक है, साइंस वालों से पूछ लो उनको ही नहीं आती, ये कंडीशन है। साइंस वाले कौन है, कितने हैं साइंस के लोग, हाँ अब देखो सभी हंस रहे थे ना अभी इनको भी नहीं आती। साइंस सबसे खतरनाक है, आर्ट एंड कल्चर और साइंस सबसे खतरनाक है। तो आर्ट एंड कल्चर और साइंस को अपने को पढ़ते रहना है, सबसे मेन चीज तो वही है।